नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का थर्ड लेसन सर्कल का एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में हम टचिंग सर्कल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला हमारी प्रॉपर्टी है सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। यहाँ पे देखिए दो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, एक ही ए सर्कल है जिसका सेंटर ए है और एक दूसरा सर्कल जिसका सेंटर बी है। दोनों एक दूसरे कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो इन लोग के डिस्टेंस है, जो इनकी रेडियस है जो या सेंटर है, जो सेंटर के बीच का इनके डिस्टेंस होगा इनकी रेडियस को जोड़ के होगा। मतलब ए बी इज इक्वल टू ए टी प्लस टी बी, और ए टी हमारा क्या होगा आर वन, और टी बी हमने क्या एज्यूम किया है आर टू। सो देयर फोर ए बी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडाई। दूसरा है सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। यहाँ पे देखिए दो सर्कल हैं, एक सेंटर ए का है एक सेंटर बी का है, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उनके सेंटर का डिस्टेंस होगा वह इनके रेडियस के माइनस होगा। मतलब ए टी में से जब हम बी टी माइनस कर देंगे या टी बी माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा ए बी आएगा। तो हमने लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए टी माइनस टी बी, और ए टी हमने क्या एज्यूम किया आर वन और टी बी क्या एज्यूम किया है आर टू। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट कुछ इसी तरह होगा, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। इस तरह इन्हीं दोनों जो प्रॉपर्टी दी गई है, थ्योरम दी गई, इनका यूज करके हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर वन हमारा है, टू सर्कल्स हैविंग रेडाई 3.5 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। देखिए दोनों सर्कल कैसे टच करें इंटरनली, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। उनके सेंटर्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों इंटरनली टच करते हैं मतलब उसका डिस्टेंस क्या होगा माइनस करने के ही बाद निकलेगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट आर वन इज इक्वल टू, फर्स्ट हम जो रेडियस दिया उसको हम 3.5 को R1 एज्यूम करते हैं, एंड R2 इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। यह तरह दिया हुआ है, हमें क्या करना है दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। उसके पहले हम लिख देते हैं सर्कल कैसे टच करें इंटरनली। तो लिख देंगे सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, सो देयरफॉर the distance between their centers is equal to, जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटा लग माइनस करेंगे, बड़ा कौन सा है R2, तो R2 माइनस R1, R2 है 4.8 माइनस 3.5, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 1.3 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारे उन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर वन हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर सेकेंड हमारा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। देखिए दोनों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा दिया था इंटरनली, यहाँ पे कौन सा है एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली रहता है तो जो उनके बीच, जो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है उनको रेडियस को जोड़ के होता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट आर वन इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड आर टू इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दोनों रेडियस हमने लिख लिया है, अब हमें इनके सेंटर का बीच लिखिए। पहले लिखना पड़ेगा सेंटर, सर्कल कैसे टच कर रहे हैं। तो लिख देते हैं सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ एक्सटर्नली टच किया था प्लस करना पड़ेगा, मतलब आर वन प्लस आर टू। आर वन कितना है 5.5 और यह कितना है 4.2, दोनों को ऐड कर दें 5 प्लस 2 7 पॉइंट,
ये कितना 9 मतलब 9.7 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला है, इफ रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर्स ऑफ दी सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। देखिए हमें यहाँ पे दोनों ड्रॉ करना है, तो पहले हम क्या करने हैं, एक्सटर्नली ड्रॉ कर देते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं हम एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में यहाँ पे इसने क्या बोला है कि रेडियस कितनी होनी चाहिए 4 और दूसरी की रेडियस 2.8। तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रेडियस देकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप अपने कंपास की हेल्प से बनाइएगा, यह 4 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल बनाना है जो इसको टच करे। तो आप यहाँ पे जब राउंडर रखेंगे तो आप पेंसिल की नोक यहाँ पे होनी चाहिए इस सर्कल पे, तो कुछ इस तरह बन जाएगा। ये हमारा सेंटर है, इसका सेंटर है, इसको हम क्या करते हैं ज्वाइंट कर देते हैं। यह लिख देते हैं ए कितना है 4 सेंटीमीटर और दूसरी रेडियस कितनी थी 2.8 सेंटीमीटर। अभी हमारा एक्सटर्नल बन गया। अभी इसी तरह हमें इंटरनल बनाना है, उसका भी लिख लेते हैं। इंटरनली में क्या करना है, पहले 4 सेंटीमीटर का हमें जो रेडियस लेके क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है, सेंटर यहाँ पे आएगा। उसके बाद इसको चाहे तो हम यहाँ पे रेडियस दिखा देते हैं, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा हमें बनाना है 2.8 का, तो चलिए 2.8 का बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए जब 2.8 लेंगे तो पहले हम पेंसिल की नोक अपनी रखते हैं, पेंसिल रख देंगे, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे आई थिंक आएगा अपना हमारा सेंट क्या बोलते हैं अपना यहाँ पे जो राउंडर है, राउंडर का नोक यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल का। अब इसको ऐसे गोला घुमा के बना देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह बनेगा। आप सही से बनाइएगा, यह यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हमने लिया है 2.8 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो हमारा बड़ा वाला सर्कल था उसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। इस तरह हमने इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटर दोनों सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है, इन द फिगर्स द सर्कल्स विद सेंटर पी एंड क्यू टच ईच अदर एट आर, ए लाइन पासिंग थ्रू आर मीट्स द सर्कल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट सेग ए पी पैरेलल टू सेग बी क्यू। सही, ए पी और बी क्यू हमें ए पी और बी क्यू पैरेलल करना है और ट्रायंगल ए पी आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल आर बी आर क्यू बी, ये दोनों को सिमिलर करना है। और इफ एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35, सॉरी पी ए आर दिया है 35, देन हमें फाइंड करना है एंगल आर क्यू बी। आर क्यू बी क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, देखिए ए पी और जो बी क्यू है इसको पैरेलल करना है। यह लाइन इसके पैरेलल कब होगी, जब यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब उन दोनों को एंगल को इक्वल करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इस जो ये सेंटर वाला है पी सेंटर वाला इस सर्कल में देखिए यह इसके इक्वल हो जाएगी, सेम सर्कल की रेडियस है तो इसके बेस का एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। नेक्स्ट इस साइड में आते हैं, यह रेडियस इसके इक्वल हो जाएगी तो यहाँ का यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। और यहाँ देखिए यह दोनों एंगल इक्वल हैं तो यह दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और यह दोनों इक्वल हो गए तो यह जो ट्रायंगल है दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल यह इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब हमें पी को क्यू के इक्वल करना है, उसके पहले दोनों ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर करना है। चलिए पहले दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ कौन से सेंटर ये वाले सर्कल में ले रहे हैं, सर्कल हैविंग सेंटर पी, सर्कल हैविंग सेंटर पी, जिसका सेंटर पी हम उसमें ले रहे हैं, कौन कौन सी दो सेग इक्वल हैं, सेग पी ए इज इक्वल टू सेग पी आर। क्या रीजन लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, अब
किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल होती है उनके बेस का एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल। मतलब एंगल दिस एंड दिस एंगल, इसका नाम लेंगे पी ए आर इज इक्वल टू पी आर ए एंगल। इसको पॉइंट बन देते हैं, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल पी आर ए, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सेम अभी हम कौन से सेंटर वाले में लेते हैं, क्यू वाले में। सर्कल हैविंग सेंटर क्यू, इसमें दो साइड कौन सी इक्वल है, सेग क्यू आर इज इक्वल टू है कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है किसके, क्यू बी के। इसका भी क्या रीजन रहेगा, सेम रेडाई ऑफ सेम सर्कल। अब दो साइड इक्वल है तो बेस के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, क्यू आर एंगल, इसको पॉइंट टू देते हैं, क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, सेम रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यहाँ पे हमने लिखा है सेम वही रीजन चल रहा है। अब पॉइंट नंबर थर्ड में ये देखिए, यह वाला एंगल इक्वल बिकॉज ये पी आर क्यू है, कोलिनियर है, तो यह दोनों एक ही एंगल बना होता है, ये एंगल आर और एंगल इस साइड का आर, मतलब पी आर ए एंगल पी आर ए इज इक्वल किसके है, क्यू आर बी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखिएगा, यह एंगल इसके इक्वल हो गया तो यह दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब यह एंगल इसके इक्वल, ले लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट नंबर फोर में, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। यह कहाँ से है, फ्रॉम पॉइंट नंबर वन टू एंड थ्री। आपको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से, पी ए आर इज इक्वल पी ए आर, यह देखिए यह वाला ए किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, और यह वाला इसके इक्वल था। जब यह दोनों इक्वल हो गए तो यह ए और बी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे पी ए आर पी आर ए है, पी आर ए की जगह हमने क्या किया, पी आर ए की जगह पी ए आर कर दिया, और दूसरा क्यू आर बी था, क्यू आर बी ने क्या किया, क्यू बी आर। मतलब यह इसके एक, मतलब किसी दो ट्रायंगल के लिए यह एंगल इसके इक्वल हो गया और यह एंगल इसके इक्वल हो गया। मतलब यह एंगल इसके इक्वल, यह एंगल इसके इक्वल, तो यह दोनों जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ए पी आर, और यहाँ से ए से लिए यहाँ से क्यू बी क्यू आर, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। चलिए दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल बी क्यू आर। देखिए यहाँ पे नाम में थोड़ा चेंजेस दे दिया है, पे आर क्यू भी दिया है, लेकिन आर क्यू भी नहीं बैठ रहा है हमें, स्टार्ट हमने ए पी आर लिया है, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बी क्यू आर। अब इसमें दो पॉइंट मिल जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। पहला पॉइंट इसमें मिलेगा कि यहाँ से आप ले लेंगे हम पहला पॉइंट ए वाला, ए इज इक्वल टू बी के, और दूसरा पॉइंट यहाँ से ले लेंगे आर इज इक्वल टू आर के, मतलब आर इज इक्वल टू आर के हो जाएगा और ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ हम कॉपी कर लेते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। चलिए एंगल पी आर ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, ये कहाँ से है, फ्रॉम थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड से हमने कॉपी किया, और दूसरा वाला पी ए आर इज इक्वल टू क्यू बी आर, ये कहाँ से, फ्रॉम फोर्थ से। सो पॉइंट नंबर सेवन में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर ट्रायंगल बी क्यू आर, कौन सा टेस्ट रहेगा, एंगल एंगल टेस्ट। देखिए दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। सो देयरफॉर एंगल दिस इज इक्वल टू दिस, इसका नाम क्या होगा, सो देयरफॉर एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल
ए पी आर इक्वल टू किसके हो जाएगा यहाँ से, तो बी क्यू आर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये देखिए यह दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो यह लाइन इसके क्या हो जाएगी पैरेलल, क्योंकि क्या बन रहा है जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल। सो लास्ट टाइम सो देयर फोर सेग ए पी पैरेलल टू सेग बी क्यू, इसका रीज़न क्या होगा अल्टरनेट एंगल। चलिए यहाँ पे हमने देखे दो प्रूव कर दिया, पहले ए पी आर जो हमारा ट्रायंगल ए पी आर था बी क्यू आर के, उसको हमने क्या किया सिमिलर यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे सिमिलर हो गया। और दूसरा हमारा पहला ए पी पैरेलल टू बी क्यू करना था, वो भी कर दिया। अब लास्ट में क्या है आर क्यू बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है ए पी आर, देखिए एंगल यह दिया है ए पी आर, यह 35 दिया हुआ है और हमें यह एंगल फाइंड करना है आर क्यू बी, आर क्यू फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान से, यह एंगल ए यहाँ पे 35 था तो यहाँ पे बी भी तो 35 होगा, बिकॉज एंगल ए किसके इक्वल है बी के। यहाँ पे देखिए एंगल पी ए आर इज इक्वल टू क्यू बी आर के, तो यहाँ पे एंगल यह कितना है 35 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 35। अब यह दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी 35, तो ये भी 35 हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ के कितने होते हैं 180 होते हैं, यह 35 यह 35, तो ये हम क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज एंगल पी आर पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, बिकॉज एंगल पी ए आर दिया हुआ है 35, सो देयर फोर एंगल क्यू बी आर भी कितना हो जाएगा 35। और जब बी 35 है तो आर भी कितना होगा 35, सो देयर फोर एंगल क्यू आर बी आल्सो विल बी 35। अब इस ट्रायंगल में आते हैं क्यू आर बी में, इन ट्रायंगल क्यू आर बी सारे एंगल जोड़ के कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180। अब आर की वैल्यू देखिए हमने कितना निकाला है 35, प्लस बी भी यहाँ पे हमने कितना निकाला है 35, प्लस आर क्यू भी हमें क्या करना है फाइंड करना है, और 180 ऐसे रहेगा। इसका हम रीजन लिख देते हैं 180 क्यों हुआ, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 35 35 70 प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180। आर क्यू फाइंड करना है 70 विल गो दैट साइड, यहाँ प्लस उस साइड तो माइनस आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, सो देयर फॉर एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 110। ये देखिए हमारा जो एंगल आर क्यू बी था यह कितना आ गया 110 आ गया। इस तरह हमें जो दो प्रूव करना था प्रूव भी कर दिया, और हमने आर क्यू बी की वैल्यू फाइंड कर दी। क्वेश्चन 5 हमारा है, इन द फिगर द सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट पॉइंट ई, मतलब देखिए ए और बी सेंटर वाले जो सर्कल हैं वह एक दूसरे को ई पे टच कर रहे हैं। लाइन यल इज ए कॉमन टेंजेंट, और यह दोनों जो यल लाइन है यह क्या दोनों की कॉमन टेंजेंट है, एंड टचेस द सर्कल सी एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों सर्कल को एक को सी पे और एक को डी पे टच कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेक सी डी इफ द रेडाई ऑफ द सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मतलब पहला ये जो रेडीज दिया है पहले सर्कल की कितनी दिया है 4 और दूसरे की कितनी है 6 है, हम इसको क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। यह देखिए 4 सेंटीमीटर है और यह 6 सेंटीमीटर है, और यह सर्कल एक दूसरे को कैसे एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 6 इट विल बी 10। अब यहाँ से हम एक और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यह और एक यह भी परपेंडिकुलर होगा, यह भी परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट होती है वह रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में सीखा है। और यहाँ पे एक और हम करने वाले कंस्ट्रक्शन, ये देखिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जिसका नाम लिया AM, AM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो CD के पैरेलल हमने AM ड्रॉ किया है, यह
अगर यह 90 है तो ये भी 90 ही होगा। अब देखिए हमें एक फाइन क्या करना है, सी डी, एग्जैक्टली हमें सी डी फाइन करना है। यह 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यह 6 है तो टोटल यहाँ से यहाँ ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा, 6 सेंटीमीटर। अब यह टोटल 6 है और अब ये हमको, इसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि हम इसको क्या बनाएं, सी ए एम डी, इसको हम क्या है, रेक्टेंगल बना देंगे। तो यह 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ये टोटल 6 है तो हम इसे निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2। अब यह पार्ट हमारा कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और यह ए एम हमें फाइंड करना है, अगर ए एम आएगा वो भी सी डी के इक्वल ही होगा। तो ए एम हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस, क्योंकि ये इन ट्रायंगल ए एम डी दिख रहा है आपको, ए एम बी सॉरी, इसमें यह 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, यह फर्स्ट साइड, यह सेकेंड साइड, इसके वजह से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ ए एम की वैल्यू निकालेंगे। ए एम जितना आएगा उतना क्या रहेगा, सी डी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पे देखिए दो सर्कल कैसे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, पहले लिख देते हैं सर्कल्स सॉल्यूशन, दो रेडियस इक्वल होंगी, कौन कौन सी इक्वल होंगी आप बता दीजिए, ए सेग सॉरी डायरेक्टली लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू ए सी। और हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया उसको भी पहले लिख देते हैं, वो ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने क्या क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ यहाँ पे देख रहे डायग्राम में कुछ भी नहीं दिया, ड्रॉ सेग ए सी सेग बी डी एंड सेग एंड सेग ए बी। और हमने एक कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ ए ए एम पैरेलल टू सॉरी ए एम पैरेलल टू सी डी एंड ड्रॉ सेग ए एम पैरेलल टू सेग सी डी एंड जो डी एम बी क्या है, कोलिनियर, डी एम बी आर कोलिनियर। अब देखिए ध्यान से हमें बताना, यह पार्ट दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ए ई इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब दोनों सर्कल कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल, तो लिख देंगे सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टच करते हैं तो जो ए बी होगा उनके सेंटर का डिस्टेंस ए ई प्लस बी के इक्वल होगा। ए ई हमारा देखिए यहाँ पे कितना है, 4 और यह 6, तो ए बी कितना हो गया, 10 हो गया। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई है। अब ए बी 10 आ चुका है, अब देखना हमें कि यह जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, कौन कौन सी परपेंडिकुलर है, सी डी सेग सी ए इज परपेंडिकुलर ऑन सेग ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन सेग सी डी एंड सेग बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन सेग सी डी। इन दोनों का रीजन क्या होगा, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या होता है कि जो रेडियस होती है, जो सर्कल की रेडियस होती है वह टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब ए जो ए सी है और ए सी डी परपेंडिकुलर होगी, जो बी डी है वो भी क्या होगी, सी डी पर परपेंडिकुलर होगी। और हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया था कि यह लाइन इसके पैरेलल, क्या सेग ए एम इज पैरेलल टू सेग सी डी, हमने यह कंस्ट्रक्शन में किया है, बाय कंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने ए एम पैरेलल किया है, सो देयर फोर क्वाड्रिलेटरल सी ए एम डी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो उसके अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। सो देयर फोर सी ए इज इक्वल टू हो जाएगी डी एम के, और सी ए कितना हमारा है यहाँ पे देखिए, ए सी या सी ए 4 है तो यह भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और सी डी इज इक्वल किसके हो जाएगा, ए एम के। दोनों दिया नहीं है हमें, यही दोनों फाइंड करना, मतलब हमें सी डी फाइंड करना, बट हम डायरेक्टली पहले ए एम आएगा, ए एम से हम सी डी निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे यह टोटल कितना है, डी बी जो दिया है 6 और डी एम कितना है 4, तो हम एम बी निकाल लेंगे। लिखते हैं हम यहाँ पे
DB इज इक्वल टू DM प्लस MB, क्यों? बिकॉज DMB क्या है, कोलिनियर है, DB हमारा 6 है, DM हमने 4 निकाला, देखिए यहाँ पे DM 4 है, प्लस MB हमें क्या करना है, फाइंड करना है, 4 विल गो दैट साइड, तो MB इज इक्वल टू 6 माइनस 4, सो MB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, MB देखिए हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम छोटा वाला ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल AMB, पाइथागोरस लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, इन ट्रायंगल AMB, एंगल AMB कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज रेक्टेंगल है, AMB में 90 डिग्री है, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे कौन सी होगी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, AB हमें दिया है, हमें AB कहाँ देखिए निकाला है, यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, 10 का स्क्वायर, और AM हमें फाइंड करना है, और MB अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे निकाला है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, AM विल रिमेन सेम, 2 का स्क्वायर 4, AM निकालना है, 4 को इस साइड निकालते हैं, तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4, सो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 96, तो AM स्क्वायर है, तो AM कितना हो जाएगा, रूट 96, इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, इसको हम लिख देंगे 16 × 6, 16 का रूट कितना होता है, 4 root 6, AM की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 root 6, अगर AM 4 root 6 है तो CD भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 root 6, सो therefore CD इज इक्वल टू 4 root 6 centimeter, इस तरह हमने देखिए यहाँ पे CD की वैल्यू निकाल दी, इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 5th हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।